आज हमें बेटा पढ़ना है स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन। हाँ कल छुट्टी होगी। स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिस्ट, जो बेटा इस एम पे बिलीव करते वो बेटा हमें कहते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिस्ट द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ, नहीं बेटा, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज, स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज। Development of spiritual potentialities in human being, human being के अंदर spiritual potentialities को develop करना, मतलब human being को spiritual knowledge देना। हम सबको बेटा मालूम है हमारा जो जिस्म है इसके अंदर दो चीजें हैं, एक इसकी जो है बेटा, एक इसकी physical appearance है, दूसरी इसकी इनर अपीयरेंस है जिसको हम कहते हैं सोल, रूह। जिस तरह हम जिस्म को जिंदा रखने के लिए खाना खाते हैं उसी तरह बेटा रूह को जिंदा रखने के लिए भी हमें काम करना है। हमें दोनों वर्ल्ड्स के लिए काम करना है, हमें काम करना है बेटा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए भी, हमें काम करना है बेटा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए भी। क्योंकि हम जब नमाज पढ़ते हैं नमाज के अंदर हम पढ़ते हैं रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व किना अज़ाबन्नार, ठीक है बेटा। दुनिया भी सवर जानी चाहिए, आखिरत भी सवर जानी चाहिए। तो हम कहते हैं यहां मेन एम क्या है एजुकेशन का, कि हमारे अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज होनी चाहिए, हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी आनी चाहिए। आपने कल न्यूज पढ़ी, खुदा की कसम इंसान को ताजुब होता है। पाकिस्तान में एक प्रेग्नेंट औरत थी, उसको बेटा 3 बेटियां है, कितनी बेटियां? अब उसको मतलब सबको शौक होता है, उसके हस्बैंड ने बोला था नहीं इस बार बेटा होना चाहिए, और बेटा देने के लिए उसको उसने किसी पीर के पास लिया था। पीरन कर काम, तम दोप अम्स कलस थसन क्यूल अत नेचू, उसके सर में कील ठोकी गई है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये कल की ब्रेकिंग न्यूज थी, उसके सर में कील ठोकी गई है, क्या अम्स के जेई नेचू, अम्स के जेई। मगर वो खुद वो औरत कहती है ये हसा मैं यू एच जी कर मोन गोड़े डॉक्टर मे मानी ये लट हस्बैंड तम दोप आज तूरी, तम दोप आज तूरी। आप देखो हम कहाँ पे हैं। हम लोग जब स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर करते हैं ऐसे ही आफत आते हैं। कुरान में अल्लाह कहता है मैं ही वो जात हूँ, सूरह निसा के अंदर मैं ही वो जात हूँ जो किसी को बेटियां देता हूँ, मैं ही वो जात हूँ जो किसी को बेटे देता हूं, मैं ही वो जात हूं जो किसी को कुछ नहीं देता हूं, और मैं ही वो जात हूं जो किसी को दोनों देता हूं। मतलब हमें अल्लाह पे भरोसा ही नहीं रहा। तेमिस दो पीरन चठा सोई कलस क्यूल से बनी अम्स नेचू। दैट इज वाई स्पिरिचुअल एजुकेशन इज नेसेसरी, जो हमें बेदार कराएगी। यहां बेटा हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाक के बराबर भी नहीं थे। 9 बीबियां थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 9 में से 2 ही बीबियां 3 बीबियां जिनके दहाने से औलादे आई, 2 औलादे बचपन में गुजर गई, ठीक है बेटा। खाली 4 बेटियां जो हजरत खदीजा से पैदा हुई, उम्र में सबसे बड़ी 40 साल हजरत खदीजा थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 थी। सारी खुद लकट, अगर इस साइनस मनो आज सारी खुद लकट दरवाजे हजरत आयशा 6 साल की उम्र में निकल, 9 साल की उम्र में रुख, मगर हजरत आयशा से कोई औलाद नहीं। सारी खुद घर वाजनों में सारी खुद लकड़ घर वाजन युत वन लकटे गई मोन 90 ईयर्स कुनवुह वरी शमस हजरत आयशा कितनी थी बेटा 90 ईयर्स। आप देखो बेटा आप अल्लाह ताला को नहीं था उनकी किस्मत में औलाद, बस इस दफान हजरत आयशा की उम्र में सारी खुद लकट औलाद को सासु पहुंच नहीं, क्योंकि देने वाला वो खुद है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटी ही उम्र में 2 बेटे पैदा हुए, दोनों मर गए।
अब्दुल्ला एंड कासिम, अल्लाह की मर्जी, तो हम अल्लाह से ऊपर किसी को जानते हैं। उसके बाद उसके सर में कील ठोकी जाती है, प्रेग्नेंट औरत के सर में कील ठोकी जाती है, क्या सा आई एम सी जेनी चू। तो बेटा दिस इज द नीड ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, यहां बेटा हमें जरूरत है स्पिरिचुअल एजुकेशन की। इसीलिए बेटा जो स्पिरिचुअलिस्ट्स हैं वो कहते हैं एजुकेशन का मेन मकसद होना चाहिए स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटी को आबरो करना, बेदार करना, स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटी बच्चों के अंदर लाना। क्योंकि बेटा इन द एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, इन द एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, इन द एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, अगर बेटा अब स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, वन्स लाइफ इज इनकम्प्लीट, वन्स लाइफ इज इनकम्प्लीट, वन्स लाइफ इज इनकम्प्लीट। एक इंसान की लाइफ क्या है फिर बेटा? इनकम्प्लीट। एक इंसान की लाइफ में फिर कोई मकसद ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। एक इंसान की लाइफ क्या है बेटा? इनकम्प्लीट। जब तक वो स्पिरिचुअल एम पे नहीं बेटा क्या करेगा, फोकस करेगा। हम कहते हैं ये जो स्पिरिचुअल एम होती है, इट इज द पिलर ऑन विच, इट इज द पिलर ऑन विच, ऑन विच, इट इज द पिलर ऑन विच रेस्ट्स, रेस्ट्स द होल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, होल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल। ये वो पिलर है जिस पे बेटा पूरी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डिपेंड है, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डिपेंड है। यहां रसूलुल्लाह सल्लम के पास औरतें आती थी, या रसूलुल्लाह सल्लम हम अपने हस्बैंड के अंदर अच्छी क्वालिटीज कैसे ढूंढेंगे, कैसे हम अच्छी क्वालिटी का मर्द ढूंढेंगे अपनी शादी के लिए, कैसे हम अच्छी क्वालिटी का मर्द ढूंढेंगे। हमारे घर वाले हमें बोलते हैं यहाँ शादी करो, यहाँ शादी करो, मगर हमें कैसे कैरेक्टर पता चलेगा, हमें कैसे कैरेक्टर पता चलेगा, कैसे हम एक दिन में किसी का कैरेक्टर जज करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लम उनको कहते हैं वही मर्द अच्छा है, आप एक मर्द का कैरेक्टर औरतों से कन्फर्म करो, आप देखो एक मर्द अपनी बहन के साथ कैसा है, आप देखो एक मर्द अपनी माँ के साथ कैसा है, आप देखो एक मर्द अपने रिलेशन के साथ कैसा है, आप देखो एक मर्द अपने नेबर्स के साथ कैसा है, आप देखो एक मर्द सोसाइटी के साथ कैसा है। तो बेटा ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप होती है? बाय स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसीलिए बेटा हम कहते हैं इट इज द पिलर ऑन विच रेस्ट इज द होल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये वो पिलर होता है जिस पे बेटा एक इंडिविजुअल की सारी पर्सनैलिटी क्या होती है, डिपेंड होती है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं स्पिरिचुअल एम की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और बेटा इसका मेन मकसद क्या होता है? इट गिव्स स्ट्रेंथ टू ह्यूमन सोल एंड माइंड, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू ह्यूमन सोल एंड माइंड, ह्यूमन सोल एंड माइंड। ये बेटा हमारे सोल को स्ट्रेंथ देती है, हमारे माइंड को स्ट्रेंथ देती है, दोनों चीजों को ये बेटा स्ट्रेंथ देती है। अब बेटा कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन कौन ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने इस एम को सपोर्ट किया है? हम कहते हैं बेटा गुरु नानक, गुरु नानक, हाँ गुरु नानक, लॉर्ड बुद्धा, द सेरमन एट बनारस पिछला लेसन ऑफ टेंथ में, ठीक है बेटा, लॉर्ड बुद्धा, ठीक है बेटा। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बेटा ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इस एम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, या शंकराचार्य, हाँ पहाड़ी शंकराचार्य, हाँ हाँ अरविंदो घोष, ये हिंदूज को बोलो वहां क्या है,
कृष्णा की मूर्ति है, मतलब वो उनकी रिलीजियस प्लेस है, वो हिंदूज के लिए रिलीजियस प्लेस है वहाँ, हाँ हमारे लिए पिकनिक स्पॉट है। इसी तरह बेटा राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, ठीक है बेटा, ये ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने इस एम को बेटा सपोर्ट किया है। और बेटा राधा कृष्णन कहते हैं, राधा कृष्णन राधा कृष्णन बेटा कहते हैं, अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन ये बेटा हमें कहते हैं, द एम ऑफ एजुकेशन इज, द एम ऑफ एजुकेशन इज, द एम ऑफ एजुकेशन इज नीदर सोशल एफिशिएंसी, नीदर सोशल एफिशिएंसी nor economic efficiency, nor economic efficiency. Sir, हाँ स्वामी दयानंद सरस्वती है ना अलग, हाँ स्वामी दयानंद सरस्वती एक ही है, हाँ ये एक ही है ना, और क्या इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है बेटा, द एम ऑफ एजुकेशन इज नीदर सोशल एफिशिएंसी नॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, फिर क्या है बेटा, बट मेकिंग द इंडिविजुअल, बट अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, हाँ बट मेकिंग द इंडिविजुअल, बट मेकिंग द इंडिविजुअल, फिर क्या है बेटा इंडिविजुअल को बनाना, क्या बट मेकिंग द इंडिविजुअल फील, फील दैट ही इज डेवलप्ड फ्रॉम इनसाइड, ही इज डेवलप्ड फ्रॉम इनसाइड, ही इज डेवलप्ड फ्रॉम इनसाइड। इंडिविजुअल को यह रियलाइज होना चाहिए एजुकेशन का एम क्या है, ना सोशल एफिशिएंसी ना इकोनॉमिक एफिशिएंसी, बट मेकिंग द इंडिविजुअल फील दैट ही इज डेवलप्ड फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड मतलब ये इसकी डेवलपमेंट कहां से होनी चाहिए, सोल, सोल से, ठीक है बेटा, इसकी डेवलपमेंट कहां से होनी चाहिए, सोल से, ये डेवलप होना चाहिए अंदर से, इनसाइड से, सोल से, ये बेटा राधा कृष्णन कहते हैं। उसके बाद इस एम की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, इस एम की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस इस एम की क्या है, पहला बेटा रिलीजियस माइंडेड, ये आपको क्या बनाती है बेटा, रिलीजियस माइंडेड मतलब आपके अंदर क्या आती है, नॉलेज ऑफ रिलीजन, नॉलेज ऑफ रिलीजन, ठीक है बेटा, मतलब रिलीजियस माइंडेड ये आपके अंदर क्या लाती है, नॉलेज ऑफ रिलीजन, आप बेटा रिलीजन को अंडरस्टैंड करते हो, रिलीजन की नॉलेज आपको आती है, और आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है, रिफाइंड, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, आपके कैरेक्टर में चेंज आता है। इसी तरह बेटा बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, हम क्यों कहते हैं इन्ना दीना इंदल्लाही इस्लाम, इस्लाम जो है बेटा इट इज द रिलीजन ऑफ पीस, ठीक है बेटा, इट इज द रिलीजन ऑफ पीस, तो बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को बेटर बनाने के लिए रिलीजियस एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि बेटा हमें जब कल को वो एग्जाम देना है जिसमें ना किसी के 490 आएंगे ना किसी के 500 आएंगे, जिसमें हमारा गोल क्या है बेटा, जन्नत या जहन्नम, जन्नत या, वहां हमें नहीं पूछा जाएगा एजुकेशन क्या थी वो क्या था, वहां पूछेंगे, वहां बेटा वही पूछेंगे, आप कौन हो, आपका नबी कौन है, ठीक है बेटा, वहां यही पूछा जाएगा, कितनी नमाजें आपने छोड़ी, अल्लाह ने जवानी दी उस जवानी को कहां बर्बाद किया, ठीक है बेटा, ऐसे चीजें वहां पूछे जाएगी, इरेडिकेशन ऑफ इविल्स,
इरिडिकेशन ऑफ इवल्स। बस बस मुश्ताक, इरिडिकेशन ऑफ इवल्स, इरिडिकेशन ऑफ इवल्स। ये बेटा स्पिरिचुअल एजुकेशन ही है जो इवल्स को बाहर निकालती है। बेटा याद कीजिए मदीने का कल्चर, जहां बेटियों को जिंदा दफनाते थे, मगर जब एजुकेशन आई, जब एजुकेशन आई, उसी ने बेटा ये चीजें वहां खत्म करा, ये चीजें वहां खत्म की। ठीक है बेटा, ये चीजें वहां खत्म की, या जितनी भी बुराइयां थी उनको यही स्पिरिचुअल एजुकेशन खत्म करती है। इसी तरह बेटा रेजिंग मैन टू हाई लेवल, रेजिंग मैन टू हाई लेवल। आज बेटा ऐसे लोग हैं जो दूर दराज गांव से रहते हैं, मगर बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस व्यूज, बिकॉज ऑफ देयर स्पिरिचुअल नॉलेज, आज वो दुनिया भर में फेमस है। मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी, दाऊदी साहब, हामी साहब, तो आप देखो बेटा कितना ये है। ठीक है बेटा, कितने ऐसे उलमा है जिनको हम रोज सुनते हैं। ठीक है बेटा, किस चीज ने उनको फेमस बनाया? या बेटा जो शेफर्ड्स थे, यम सहाबा तीर रचान बिफोर द अराइवल ऑफ ईमान, उनको उन सहाबों की अजमत आप देखो क्या थी। अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान, ठीक है बेटा, हजरत उमर, ठीक है, जिसके मुतलिक गांधी भी मजबूर हो गया। इफ देयर वुड हैव बीन अनदर उमर इन द वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड वुड हैव बीन एक्सेप्टेड इस्लाम। माय एक्सपेरिमेंट्स ऑन ट्रुथ, गांधी लिखता है, माय एक्सपेरिमेंट्स ऑन ट्रुथ, गांधी जी की बुक, उसमें वो लिखता है, इफ देयर वुड हैव बीन अनदर उमर इन द वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड वुड हैव बीन एक्सेप्टेड इस्लाम। अगर दुनिया में उमर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा और कोई पर्सन आए, पूरा दुनिया इस्लाम लाएगा, क्योंकि हजरत उमर को देखकर शैतान भी रास्ता बदल देता। ठीक है बेटा, किस चीज ने उनको रेज किया? रेजिंग मैन टू हाई लेवल। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा हम कहते हैं बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इंसानियत का दीन, बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ठीक है, तो बेटा ये ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती है इस एम की इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर बेटा हम इस एम का क्रिटिसिज्म देखेंगे, जो आज के लोग बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, यम छ बनेमित रिलीजियस ब्रॉडर। मतलब ये खाली क्या बोलते हैं, दीन दीन दीन, बाकी छुन इन कहीं तकान। ठीक है बेटा, मतलब आज क्या शेष मना, मौलवी सिर्फ दीन मना, ये मन बाकी कहीं पता। इस एम का क्रिटिसाइज ये है कि अगर हम ज्यादा इस पे फोकस करेंगे, फिर हमें क्या करना है, इग्नोर द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। रिलीजियस ब्रॉडर, ये बेटा क्रिटिसिज्म है। मतलब रिलीजियस ब्रॉडर आपको सहेलिया कहती है इसके साथ मत चलो, सिर्फ दीन मना, बाकी नहीं कहीं, अमिश बाकी पाई, मतलब आप सब कुछ छोड़ती हो। या बेटा हम कहते हैं सॉल्वेशन, ब्रह्मचारी बनो, हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रह्मचारी बनना, या हम क्या कहते हैं बेटा, मैं वही आपको बोल रहा हूँ, ये करा अल्लाह वाले वाले क्रिटिसाइज थे, जो ना ये जमात पे निकलते हैं, वो कहते हैं उनकी जो फैमिली होती है वो परेशान होती है, हमारे पास 10 रुपया नहीं है, पापा कहाँ चला गया। ठीक है बेटा, मतलब वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ एक सहाबी आया, मुझे जहद के लिए जाना है, रसूलुल्लाह सल्लम ने बोला आपके घर में कौन है, उसने बोला मेरी घर में एक बूढ़ी माँ है, उसने बोला आप अपनी माँ की खिदमत करो, वही आपके लिए जहद है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं इग्नोर द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, या ये क्या काम बोलते हैं, मेडिटेशन एंड सॉल्वेशन इज द एंड ऑफ लाइफ। इसके बगैर भी बाकी चीजें। ठीक है बेटा, इट इग्नोर्स द डेवलपमेंट इन मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इट इग्नोर्स द डेवलपमेंट ऑफ मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। यही वजह है बेटा हम कहते हैं कि इस एम का क्या आया, क्रिटिसाइज।
हम्म।